हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सपना। टुडेज अवर टॉपिक इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। आज हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसका रिजल्ट चेक करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए 3x इक्वेशन क्या है, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। ये क्या इक्वेशन है? सबसे पहले हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, है ना। तो 3x एक्स एक्स वाले हम एक तरफ लिख लेंगे और जो डिजिट है मतलब जो नंबर है उसको हम एक तरफ लिख लेंगे। तो क्या है 3x, अभी 2x है जो कि प्लस में है, यहाँ जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस का 2x, एक्स एक्स वाले एक साथ लिख लिए, अब बचा क्या 18। 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू 18। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने ये जो इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व कर दिया एंड चेक योर रिजल्ट। अब हमें क्या करना है, इसकी रिजल्ट को चेक करना है। रिजल्ट को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LHS और RHS, LHS इक्वल टू RHS सॉल्व करना पड़ेगा। LHS क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो हमारा आंसर करेक्ट होगा, अगर रॉन्ग आएंगे तो आंसर गलत होगा। ठीक है, तो LHS में क्या है 3x इक्वल टू और राइट हैंड साइड में क्या है 2x प्लस 18। अब देखिए 3x है बीच में, मतलब क्या हुआ, इनटू हुआ है ना। तो x की वैल्यू कितना है, इनटू 18। x की वैल्यू जो आई है हमें वो रखनी है यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या है 18 है, इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 18 प्लस 18। अब 18 थ्री ज़ा 54 इक्वल टू 18 टू ज़ा 36 प्लस 18। तो ये क्या है 54 इक्वल टू 36 और 18 को प्लस करेंगे तो 54। तो हमारा ये देखिए आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो ये आंसर क्या है, करेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS, करेक्ट है ना। तो हैंस आंसर इज करेक्ट, हैंस आंसर इज करेक्ट। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।